नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 ने एक नया इतिहास रचा है, तो चलिए जानते हैं इस मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें। यह मिशन केवल इसरो का मिशन नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद इससे जुड़ी है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि साल 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 के फ्लॉप मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 तेजी से उड़ान भर चुका है। इस मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। बता दें कि परसों यानी 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 उड़ान भरा है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए गैल्वियम 3 का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इस मिशन को लखनऊ की बेटी ऋतु करिधाल लीड कर रही थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी रॉकेट वुमन ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को इसरो ने सौंपी थी। बता दें कि ऋतु लखनऊ की रहने वाली है और भारतीय स्पेस में अपने कामों से मौजूदगी दर्ज कराई है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन का विफलता आधारित दृष्टिकोण का विकल्प चुना है, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की सतह पर चलाकर देखा जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसके बावजूद भी रोवर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर सके। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। इसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके जरिए यह संभवता किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन फेल नहीं होगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, यह नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर, ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर यह रोवर क्या है, इससे हमें क्या मदद मिलने वाली है। रोवर की मदद से चांद के वातावरण की रिपोर्ट मिलेगा और इसके साथ ही चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा और चांद की सतह की तस्वीर भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।